हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय किचन। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है कीमा फ्राई। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मटन कीमा, इसे मैंने दो बार वॉश किया है, 3 बड़े प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 3 हरी मिर्चें, 1 आलू और 1 कप मटर मैंने यहाँ पे लिए। आप चाहे तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच तेल, खड़े मसाले यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा हरा धनिया, 1.5 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टमाटर लिया जिसे मैंने बारीक काट लिया और 1 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर। चलिए फटाफट देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम प्रेशर कुकर में तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे और उसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक की फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हम इसे ड्राई होने तक के भुनेंगे। ये देखिए ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटे हुए टमाटर और इसे मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, ये सब कुछ हम ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों को भी हम 2-3 मिनट तक के भूनेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें खीमा ऐड करूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ये जो खीमा है हम इसे आधा पका लेंगे। इसे हमें आधा ही गलाना है, पूरा नहीं गलाना है। तो इसकी हम 1 सीटी फास्ट पे लेंगे और 1 सीटी स्लो पे लेंगे और कुकर बंद कर देंगे और इसका प्रेशर हम अपने आप रिलीज होने देंगे। ये देखिए जो खीमा है ये आधा पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू और मटर। इसी के साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया और इस स्टेज पे आप इसका नमक जरूर चेक कर लें, अगर कम है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम कुकर का ढक्कन फिर से लगा देंगे। इसकी हम 2 सीटी फास्ट पे लेंगे और इसका प्रेशर हम अपने आप रिलीज होने देंगे। ये देखिए जो खीमा है ये अच्छे से पक गया है और आलू और मटर भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो खीमा फ्राई है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।
हमारा टेस्टी सा कीमा फ्राई रेडी है। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल झटपट खाना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुड बाय।